गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना जो इससे पहले वाले वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था वो था थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट का मीन्स होता है कि कोई भी अर्थ है, जैसे कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो प्रेशर लगता है, ठीक है, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो प्रेशर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। और थ्रस्ट के दौरान जो प्रेशर लगता है वही प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स के, ठीक है ना। क्योंकि हम जो खड़े हैं, अपना जो वेट है, वो वेट जो इस अर्थ पर लग रहा है वो हमारा क्या है, फोर्स ही तो है। और वो फोर्स ही वेट और वेट ही फोर्स है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशन की कंडीशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि अपना जो वेट है, वेट और जो फोर्स है वो एक इक्वल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। वेट और फोर्स एक इक्वल क्वांटिटी होती है। जैसा कि मैंने आपको फिर शुरुआत प्रेशर में बताया था कि एक यूनिट एरिया में, किसी यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, या थ्रस्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, प्रेशर P इज इक्वल टू क्या लिखा था, थ्रस्ट अपॉन एरिया होना चाहिए, सॉरी थ्रस्ट अपॉन एरिया, या थ्रस्ट जगह पर क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड देखिए कि न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपके कोर्स में जो एग्जांपल नंबर 10.6 का एग्जांपल देखिए आप, तो एग्जांपल 10.6 तो वो देखते हैं अपन। एग्जांपल 10.6 ये बोलता है कि ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड डायमेंशन ऑफ 40 × 20 × 10। तो देखिए क्या बोलता है ये कि कोई जो लकड़ी का कोई एक बॉक्स है, एक टुकड़ा है, ठीक है, जिसका मास कितना है, एन कितना है इसमें, 5 kg, ठीक है। और फिर उसके बाद में डायमेंशन है इसका 40 × 20 × 10, 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर, ये इसका डायमेंशन है, ठीक है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप, इफ इट मेड ऑफ लाइफ ऑन द टेबल टॉप इट इज साइड द डायमेंशन। अब ये बोल रहा है कि ये है इस प्रकार का एक ब्लॉक है, तो ये बोल रहा है कि इस ब्लॉक का कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ विड्थ एंड हाइट, इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, पहला ए बोलता है कि यदि डायमेंशन इसका 20 × 10 सेंटीमीटर हो, पहला डायमेंशन कितना हो, 20 × 10 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, तो इसका मतलब 20 × 10 का मतलब है ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लेंथ और ये विड्थ। तो सबसे पहले अब देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कोई भी लकड़ी का टुकड़ा किसी टेबल पर रखा जाता है तो उसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, तो वो कितना फोर्स लगाता है, तो फोर्स कितना लगाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी, ये तो आप लगाएगा वो फोर्स। एम की वैल्यू कितनी है, 5, और जी की वैल्यू है 9.8, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अब देखिए एफ इज इक्वल टू एम कितना है, 5, और इसकी कितनी है 9.8, और 9.8 से 5 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 49, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, 49 न्यूटन, यानी कि है लकड़ी का जो टुकड़ा है, वुडन बॉक्स है, यह कितना प्रेशर लगाता है, फोर्स कितना लगाता है, यह इसका वेट भी मान सकते हो 49 न्यूटन। अब देखो, अब ये बोल रहे हैं कि यदि इसका डायमेंशन ये हो, ठीक है, अगर इसका ये डायमेंशन है तो इसका प्रेशर क्या होगा, तो देखिए अगर ये है तो इसका मतलब एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो ए इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, 20
इनटू विड्थ कितनी है 10, कितना हो गया 200, ठीक है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दो, तो a इक्वल टू क्या आएगा 200 अपॉन 1000 इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रेशर, अब इसका प्रेशर p इक्वल टू क्या होता है f अपॉन a, f कितना है स्टूडेंट्स f की वैल्यू 49 और इसकी वैल्यू 0.2 पॉइंट का दो यहां जीरो लगा दो कितना आ जाएगा 245, ठीक है कितना आ जाएगा इसका 245, अच्छा जीरो भी लगी है तो 245 जीरो न्यूटन, ये प्रेशर लगेगा इसका, ठीक है यही होगा साइड बुक में। नहीं जीरो नहीं लगेगा, 245 न्यूटन, इस पर प्रेशर कितना लगेगा P इक्वल टू 245 न्यूटन का प्रेशर लगेगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन, यदि इसका एरिया, ये अगर इसका एरिया B क्या बोलता है, अगर इसका एरिया 40 और 20 सेंटीमीटर हो, यदि एरिया A इक्वल टू क्या हो 40 into 20 सेंटीमीटर तो क्या होगा, तो देखिए a इज इक्वल टू 40 इनटू कितना हो जाएगा 500/1000 तो क्या हो जाएगा 0.28 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर p इज इक्वल टू f अपॉन a, f कितना है 49, a कितना है 0.28 पॉइंट का दो यहां लगा देते हैं। अब देखो 8 से डिवाइड करो इसको, पीज इक्वल टू प्रेशर निकाल दिया तो न्यूटन भी आएगा, प्रेशर न्यूटन भी लिख सकते हो पास्कल भी लिख सकते हो, या 61.25 न्यूटन। अब देखो अब इस स्टूडेंट ये देखो इसका एरिया कितना था 0.8 मीटर पर सेकंड, ये सॉरी मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब एरिया बढ़ा तो प्रेशर घट गया ना, प्रेशर कम लगा, और यहां पर देखिए एरिया कितना था, इसका एरिया कितना था काले, इसका एरिया कितना था 0.2, तो 0.2 था तब प्रेशर ज्यादा लगा। तो आपको ये चीज बताई थी कि जब एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और प्रेशर डिक्रीज होता है तो एरिया इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको आप देख लेना, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है अपना टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना जो न्यू टॉपिक है वो ए है प्रेशर इन फ्लड, प्रेशर इन फ्लड, प्रेशर इन फ्लड। तो प्रेशर इन फ्लड का मतलब ये होता है कि हम अर्थ पर ही प्रेशर नहीं डालते हैं, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लड में डाला जाता है, या फिर कोई टंकी है उस टंकी में फ्लड, जैसे पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा होने के कारण भी वह पानी खुद अपने आप में प्रेशर डालता है। जैसे कि अपनी पाइप होती है तो नल आ रही है और पाइप अगर, तो वो पानी जब उस पाइप में से निकलता है, ठीक है, जब इस पाइप में से जब कोई वाटर जो है पास आउट होता है तो वह सीधा नहीं जाता, वह इन पाइप की जो वॉल है इसके ऊपर भी प्रेशर डालता है लगातार। इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि मान लो कभी कभाओ किसी कारण बस पाइप में होल हो जाए, पाइप टूट जाए, तो यहां से पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है, और यहां से लंबी धार बनती है, अगर पानी जितना ज्यादा प्रेशर से आता है उतनी लंबी ऊंची धार बनती है। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है किसी टेप में से जा रहा है तो वह अपने उसकी वाल के ऊपर भी प्रेशर डालता है, तो इसी कहते हैं प्रेशर इन फ्लड। दूसरी कंडीशन की वाल की जो वाटर का जो प्रेशर है
वह डीप में ज्यादा होता है और अपर की साइड में कम होता है, ठीक है। जैसे इसका आप एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे कि एक टैंक है, इस टैंक को क्या किया, वाटर से फिल कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है, और इसके हमने चार होल किए, ठीक है, इसके हमने क्या किए चार होल किए और यहाँ पर चार टैंक लगा दिए ए बी सी और डी। अब बताओ लंबी दूरी तक वाटर कौन सा जाएगा, ई डी, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ साइड में प्रेशर होता है, तो यहां से तो पानी जाएगा वो ज्यादा दूरी, सी वाला थोड़ा कम दूरी पर जाएगा, बी वाला और भी कम और ए वाला एकदम ही कम, तो ज्यादा लंबी जो प्रेशर है, क्यों, क्योंकि नीचे जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है वाटर का और ऊपर की साइड में कम होता है, ठीक है। इसी कारण से जो डैम की वॉल होती है वो नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर से, यानी नीचे से ब्रॉड होती है और ऊपर से क्या होती है नैरो होती है, यानी कि जो डैम होता है या कुछ सभी भी होता है कि डैम की जो वॉल है वो नीचे से इस तरीके से क्यों बनाई जाती है, ठीक है। ये डैम है, इस डैम में इधर पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको काफी डैम के बारे में पता है, सिस्टम में पढ़े हुए हो, तो इस डैम की इस तरीके की कोन के टाइप में वॉल की होती है, नीचे से ब्रॉड होती है ऊपर से नैरो होती है, ऐसे भी तो हो सकती है वॉल, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे की साइड में वाटर का प्रेशर ज्यादा होता है और अपर की साइड में कम होता है, इसलिए ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, नीचे की साइड में प्रेशर ज्यादा आता है, और अगर इसकी वॉल एकदम सीधी बना दे तो कभी भी किसी भी कारण से वॉल टूट जाती है और बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। तो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक है प्रेशर इन फ्लड, ये कंप्लीट हो गया, छोटा सा है चार लाइन का, ठीक है, मैंने आपको इसको फुल डिटेल में बता दिया है, अब आप इसको देख लेना समझ में आ जाएगा कि बुक के अंदर चार या पांच लाइन का ज्यादा लंबा थोड़ा नहीं है, आप ये एग्जांपल जो मैंने दिए हैं ये आप इसमें बता सकते हो। फिर देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है बोयेंसी। तो बोयंसी का मींस क्या होता है, बोयंसी का मींस होता है तैरना, ऐसे आप सीधा सा समझ सकते हो तैरना, इसमें देखिए कई चीजें आएगी जैसे कि बोयंसी, फिर एक तैरने से संबंधित कई टर्मिनोलॉजी काम में आती है, अलग अलग फैक्टर काम करते हैं तैरने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कोई चीज तैरती है ये बोयंसी के कारण है, यानी बोयंसी फोर्स के कारण है, कुछ लोग इसको कहते हैं डेंसिटी के इफेक्ट के कारण है, और कुछ लोग ये कहते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के, ठीक है, बात अलग अलग दिख रही है, लेकिन जब मैं इन तीनों को पढ़ाऊंगा तो तीनों का मीन्स एक ही रहेगा, बुक में आपको अलग अलग दिखेगी, लेकिन लास्ट के अंदर जब मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ये देखिए तीनों के तीनों एक ही फैक्टर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, है चीज अलग अलग, बोयंसी फोर्स अलग होता है, डेंसिटी अलग होती है, और आर्किमिडीज ने अपना जो प्रिंसिपल दिया था वो अलग था, तीनों ही अलग है, लेकिन इसका लेकिन वही एक कहा होता है ना कि कान को यूं पकड़ो चाहे हाथ को मार के पकड़ो पकड़ा जाएगा कान ही, तो मींस इसका एक ही निकलता है कि वो, ठीक है, कोई भी चीज जो बोयंस हो रही है तेज रही है फ्लड, ठीक है, तो उसका मींस एक ही निकलेगा। तो अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बोयंसी। बोयंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है, किसी कोई ऑब्जेक्ट किसी वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है उसे हम कहते हैं बोयंसी। देखिए इसको आप ऐसे समझ लो कि ये बोयंसी कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया एक वाटर के अंदर डाला, उसमें पानी है, तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, चलो मान लो एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल को हमने क्या किया, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, इसको हमने वाटर के अंदर डाला,
तो इस पर दो प्रकार के प्रेशर काम करेंगे। पहला प्रेशर एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, दो प्रकार के फोर्स काम करेंगे, कौन कौन सा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी किधर नीचे की साइड में एफ इज इक्वल टू एम जी नीचे की साइड में करेगा, तो एफ जी देखिए ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स है वो ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो पहला फोर्स क्या करता है नीचे की साइड में वर्क करता है, इसको नीचे की साइड में ले जाने का काम करता है। दूसरा फोर्स वाटर, क्योंकि जैसा कि न्यूटन में न्यूटन के लॉ आपको बताए नहीं थे लेकिन न्यूटन लॉ ये कहता है कि जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वह यानी थर्ड लॉ कहता है तो वह ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है लेकिन उसका जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट होती है ठीक है, वो उसके अपोजिट उसकी डायरेक्शन होती है। तो देखिए तो उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। फिर दूसरा जो डायरेक्शन होता है वो नीचे से वाटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उस फोर्स का नाम है बॉयंसी फोर्स एफ बी, इसका नाम है एफ बी, जो कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ उठाने का काम करता है बॉयंसी फोर्स ठीक है। तो एफ ठीक है, तो इस प्रकार से यह फोर्स है वो लगातार वर्क करते हैं। तो इसके ऊपर दो प्रकार के फोर्स लग गए, बॉयंसी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कि सपोज कि एफ जी इज ग्रेटर देन एफ बी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंसी फोर्स से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक, ऑब्जेक्ट क्या होगा नीचे डूब जाएगा, डूबेगा नहीं डूबेगा, डूबेगा ठीक है। तो फिर उसके बाद में यदि एफ बी इज ग्रेटर देन एफ जी तो क्या होगा, इमर्स ऑब्जेक्ट ऊपर इस क्या करेगा सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, जैसे कि इतना जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एफ जी जैसे कि एक स्टोन या कील है नेल ठीक है, कोई भी स्टोन हो सकता है कोई भी नेल हो सकती है ठीक है, उसको आप पानी में डालो फट से डूबेगी, डूबेगी या नहीं डूबेगी, कोई भी पत्थर का टुकड़ा ले लो नैल ले लो या कोई भी बड़ा मेटल बॉक्स ले सकते हो ठीक है, या लकड़ी का कोई भी वुडन बॉक्स भी ले सकते हो, जैसे उसको आप वाटर में डालोगे तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि एनर्जी ज्यादा होता है उसका मास भी ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा और वह डूब जाएगा। फिर बॉयंसी फोर्स ज्यादा हो ग्रेविटेशन फोर्स तो वह ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ स्पेस उसके वाटर के सरफेस के ऊपर तैरने का काम करता है, एग्जांपल जैसे प्लास्टिक की बोतल या एक बोतल खाली बोतल जिसको आप एकदम से एयर टाइट कर दो ठीक है ढक्कन लगा करके और उसको पानी में डालो वो डूबेगी नहीं, नाव बोट ये बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे नाव भी हो सकती है ठीक है, बड़े बड़े शिप हो सकते हैं ठीक है ना, ये जो बोट वगैरह की कभी पानी में नहीं डूबती है, तो क्यों, क्योंकि इसका बॉयंसी फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा होता है इसलिए इमर्स यानी तैरती है ठीक है, इमर्स या फ्लोट भी ले सकते हो यहाँ पर। एंड इफ एफ बी इज इक्वल टू एफ जी तो इसमें क्या होगा फ्लोट, ऑब्जेक्ट क्या होगा फ्लोट यानी आधा पानी के अंदर डूबा रहेगा और आधा क्या रहेगा आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे, यही तो होगा क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में जितना प्रेशर नीचे लग रहा है उतना ही प्रेशर नीचे से ऊपर लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा पानी के इस तरीके से आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे में, जैसे कि बोट होता है ठीक है शिप भी होता है, तो आधा पानी के ऊपर रहता है आधा नीचे रहता है क्योंकि उसमें बॉयंसी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की दोनों में लिंक क्या होती है इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स ये होता है आपका बॉयंसी फोर्स के बारे में। फिर उसके बाद देखिए
अच्छा स्टूडेंट्स आप देखो, मैं आपको एक वो बताता हूँ, एक प्रैक्टिकली आप देखो, आपको एक चीज बताता हूँ, आप चाहो उसको तो प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे कि एक ओवन है, टैंक के पानी का वाटर की ओवन बोलते हैं ना, वो है, और आपने क्या किया उसके अंदर पानी की बाल्टी डाली, चाहे 20 लीटर की डाल दो। अगर आप उस 20 लीटर की पानी की बाल्टी को ऊपर उठाओगे तो वो आपसे नहीं उठेगी, लेकिन जैसे उसको रस्सी के बांध के बोझ में तो दम ज्यादा रस्सी के बांध के उसमें डुबो दो, ठीक है, तो आप देखोगे जब तक वो पानी में रहेगी आप एक हाथ से उठा सकते हो, कितनी हल्की रहती है। लेकिन जैसे ही वह बाल्टी वो बकेट जो है पानी से बाहर आती है, वह अपने असली वेग में आ जाती है, शायद हमसे खींची भी नहीं जाएगी, इतना वेट हो जाता है उसका, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि क्योंकि होता क्या है, उस समय उसका वेट लगभग जीरो के बराबर सा हो जाता है, लगभग पूरा नहीं, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि पानी की भरी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर दो प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, जिस वो ज्यादा है तभी तो वो डूब गई, और दूसरा बॉयंसी फोर्स, वो भी उसको नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसलिए उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, और तभी हम हल्के से फोर्स लगाते हुए ऊपर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो पानी से ऊपर आ जाएगी तो बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, और ग्रेविटेशन के कारण उसका वेट है वो है अपने असली वेट में आ जाएगी। और हम ये अब हम लोग ये देखते हैं कि पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इतना हल्का कैसे हो जाता है और बाहर की तरफ इतना भारी क्यों हो जाता है, इसका रीजन यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉयंसी फोर्स हो गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है बॉयंसी की आप डेफिनेशन लिख सकते हो स्टूडेंट्स, तो चाहो तो लिख लेना कि बॉयंसी इज फेमिलियर फिनोमिनो ए बॉडी इमर्स्ड IWNERSED इमर्स्ड इन वाटर सीम टू वेट लेस देन pH देन व्हेन इट इज इन एयर। तो ये हो जाएगी बॉयंसी फोर्स की स्टूडेंट डेफिनेशन। इसके मैंने कुछ आप लोगों को एग्जांपल भी दे दिए हैं, डायग्राम मैंने बनाए हैं, ये अगर एग्जाम में पूछ सकता है तो इस तरीके से ही आपको बताने हैं, इस तरीके से आप ये डायग्राम वगैरह बता देना, ठीक है। फिर एक आता है वर्ड डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मीन्स भी फ्लोसी होता है। आपने देखा होगा कि एक कील है वो वाटर के अंदर डूब जाती है, सिंक हो जाती है, अब ठीक है, लेकिन एक कागज नहीं होता या प्लास्टिक की थैली है वो नहीं होती। तो अगर कोई किया एक पत्थर हो जाता है, प्लास्टिक की थैली नहीं होती, क्यों, लोग ये कहेंगे एक ही आंसर कि जो स्टोन है उसका वेट ज्यादा होता है, ठीक है, स्टोन का वेट ज्यादा है, इस कारण से वो क्या हुआ डूब जाता है, प्लास्टिक की जो थैली है उसका वेट बहुत कम होता है इसलिए वह नहीं डूबती, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ कि एक जहाज जो कई टन का होता है, ठीक है, एक वाटर का जो बोट है या फिर शिप हो तो कई टन की होती है, लगभग 3,000 किलोग्राम की होती है, वो तो नहीं डूबती, फिर एक स्टोन कितना होगा, पाव, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो। लेकिन जो वाटर का जो शिप है वो तो 5,000 किलो की होती है, वो तो नहीं डूबती, ये चीज आपने देखी होगी। इसके अलावा हम लोग अगर पानी के अंदर जाएं तो हम डूब जाएंगे, लेकिन एक डेड बॉडी ऊपर तैरती रहती है, ठीक है, तो वही जैसे हम लोग अगर पानी में डूब जाए तो अगर डेड हो जाएंगे तो हम भी ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे, क्या कारण है, मछलियां पानी में नहीं डूबती। एक तैराक होता है, स्विमिंग करने वाला स्विमर होता है, वो वाटर के अंदर फ्लोट करता है, लेकिन हम लोग डूब जाते हैं, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, यही इस चीज के बारे में एक तो बोयंसी वाले से, दूसरा है डेंसिटी से मैं आपको बताता हूँ। डेंसिटी से इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में मैं आपको इस तरीके से डेरिवेटिवली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये चीज, एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी, इतना समझ लो कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो सिंक डूब जाएगी, और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो फ्लोट करेगी, वो तैरेगी, बस इतना समझ लो। तो शिप होता है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है,
जिसके कारण वो आसानी से उस पर तैर लेता है, लेकिन एक स्टोन है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है जिस कारण वह डूब सकता है। ह्यूमन भी क्या करता है, अपने हाथों को पैरों को चलाता है जिससे वो पानी को काटता है, जिससे उसकी डेंसिटी पानी की बढ़ जाती है और हमारी डेंसिटी कम होती है और हम वह इजीली वाटर के अंदर स्विम कर सकता है। इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।